हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ये चैप्टर स्टार्ट है विद इलेक्ट्रिक पावर, आपने टेंथ में किया हुआ है कि अगर आपके पास वी वोल्टेज है, आई करंट है, या एक वायर के क्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें आई करंट है, वी इंटू आई इलेक्ट्रिक पावर है, सुना हुआ है टेंथ में फॉर्मूला। एनर्जी निकालनी है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ गई। पावर के तीन फॉर्मूले आप नोट भी कर सकते हैं फॉर्मूला रजिस्टर में, पहला फॉर्मूला वी इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर, तीनों पावर के फॉर्मूले हैं मॉडिफाइड है। और एनर्जी के फॉर्मूले टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वी इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन की थ्योरी यहां पर खत्म है, एक टॉपिक और रह गया, सीधा न्यूमेरिकल ही है इसके, बस ये फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं करवाने जा रहा हूं इसमें, या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बहुत आता है, आप शायद टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को करने में जब करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, मतलब स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसको प्लीज ध्यान से समझ लें। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप ना एक बल्ब लेके आए मार्केट से, जब भी ट्यूब बल्ब फैन हीटर लेके आते हो उसके डिब्बे के ऊपर पूरी स्पेसिफिकेशन होती है कि ये बल्ब 220 वोल्ट पे चलेगा और इसकी पावर 10 वॉट है। बोलते हो दुकान पे जाके 10 वॉट का बल्ब देना भाई, 10 वॉट का देगा। ऐसे एक और बल्ब लेके आए उस पे लिखा था 220 वोल्ट है और 50 वॉट का बल्ब है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो बस मुझे ये बताओ जब मैं इसको अपने घर पे लगाऊंगा कौन ज्यादा रोशनी देगा, कौन ज्यादा ब्राइट होगा? हाँ 50 वॉट, 50 वॉट यार, कैसे मैंने पैसे खर्चे हैं 50 वॉट के यार, महंगा बल्ब है कैसे? पर लेकिन यार प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है यार, 50 वॉट तो ज्यादा रोशनी देगा यार। नहीं 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 ऐसा ठीक बोल रहा है ये, 50 वॉट ही देगा। हाँ तो 50 वॉट देगा, मैं भी बोल रहा हूँ तो 50 वॉट देगा। नहीं बिल्कुल यार, कोई कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो अभी बनाना है मैंने, आप तो पहले आप ये टेंशन ना लें। 50 वॉट ज्यादा देगा भाई, कंपनी लिख के दे रही है 220 पे 10 वॉट पावर है, 220 पे 50 वॉट पावर। तो जब आप इसे घर में लगाएंगे, घर के अंदर सारे अप्लायंसेस पैरेलल में होते हैं तो 220 होता है हर के पास, तो 50 वॉट ज़्यादा देगा। तो मैंने देखा कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, तो मुझे फॉर्मूला सिखाया गया पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर वन की वैल्यू क्या होगी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, सही है। और ऐसी इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, आर टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, कोई डाउट इसमें? आर वन आर टू की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो जब आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन होती हैं, वो एक्चुअल में इसलिए गिवन होती है ताकि आप रेजिस्टेंस निकाल लें, और रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होती किसी बल्ब की, तो ये रेजिस्टेंसेस फिक्स्ड है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब क्वेश्चन अब स्टार्ट है, वो कहेगा ये जो बल्ब्स हैं दोनों बल्ब्स को आप सीरीज में लगा दें विद अ कनेक्शन ऑफ 220 वोल्ट। अब जब आपने इसको सीरीज में लगाया, इसकी रेजिस्टेंस आर वन है, इसकी रेजिस्टेंस आर टू है, मुझे जरा वैल्यू देख के बताओ इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जिसकी पावर कम थी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी पावर 10 वॉट थी तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा थी तो इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस कम है, चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में, आर तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जब सीरीज में लग गया, जब मैं ओरिजिनली लेके आया था तो मुझे कहा गया था ये 10 वॉट है, मुझे कहा गया था ये 50 वॉट है, जब ये सीरीज में लगेंगे तो क्या ये 10 और 50 वॉट पावर देंगे, हाँ या ना? दे पाएंगे? पर दुकानदार ने कहा था ये तो 10 वॉट है 50 वॉट है, क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि कंपनी ने कहा था
ये तब 10 और 50 देंगे जब इनको वोल्टेज अब कंप्लीट 220 220 देंगे। जब आपने सीरीज में लगाया तो 220 तो बट गया, तो अब कंपनी क्लेम नहीं करती। कंपनी कहती है देखो मैंने कहा था तुमने वैसे चलाया नहीं, तो फिर इसकी पावर ये नहीं मिलने वाली, तब आंसर 10 और 50 नहीं रहेगा। तो फिर क्या पावर आएगी, तुम इसका करंट निकाल लोगे आई 220 बाई आर1 प्लस आर2। करंट निकाल के इसकी पावर क्या आएगी, आई स्क्वायर आर1, और इसकी पावर क्या आएगी, आई स्क्वायर आर2। नई पावर आ जाएगी इसकी, पर क्योंकि करंट सेम है आर2 कम है तो इसकी पावर कम आएगी, इसकी पावर ज्यादा आएगी। तो जो 10 वॉट का बल्ब था सीरीज में लगने के बाद उसकी पावर ज्यादा हो जाती है। कितनी होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है न्यूमेरिकल में आई स्क्वायर आर1 से। और जो ज्यादा वोल्टेज का बल्ब है वो कम वोल्टेज का बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जब आप दो बल्ब को सीरीज में लगाएंगे 10 और 50 वॉट को, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? तो आंसर क्या होगा, जिसकी पावर छोटी थी पहले अब वो बड़ी पावर में आ जाएगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इसकी ब्राइटनेस कम होगी, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर पैरेलल में लगाएंगे फिर कोई फर्क नहीं, क्योंकि पैरेलल में वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो इसलिए 50 वाला ज्यादा ब्राइट होगा, 10 वाला कम ब्राइट होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो जो तुमने 10th में पढ़ा था वो सीरीज में पढ़ा था, और जो पैरेलल में पढ़ा था उसका आंसर तो नॉर्मली है। पहला पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपने ऐसे 10 और 50 वॉट के ऐसे बल्ब लगाने शुरू किए, चलो दो बल्ब लगा दिए 10 और 50 वॉट, पीछे से पता नहीं क्या हुआ यार करंट बढ़ गया, तो कोई बल्ब फ्यूज होगा। फ्यूज में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये वाला कि ये वाला? ये ज्यादा चमक रहा था ना, इसकी ज्यादा पावर हो गई थी और अननेसेसरी, तो ये उड़ेगा क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा हीटिंग इफेक्ट। पी आई स्क्वायर आर टी हीटिंग इफेक्ट है, इसमें ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी, इसका फिलामेंट गर्म हो जाएगा, इसकी वायर गर्मी से मेल्ट हो जाएगी, ये टूट जाएगा। तो छोट ये वाला बल्ब ज्यादा फ्यूज, पहले फ्यूज होगा, ये कम होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? फ्यूज का कॉन्सेप्ट ये है, आपके घरों में जो बिजली आ रही है खंबे से आ रही है, वहां से एंटर करने से पहले मीटर से पहले उसको पतली सी वायर में एंटर करवा के मीटर में एंटर करवाया जाएगा, क्योंकि अगर पीछे से करंट अगर ज्यादा हो गया तो पहले उस वायर में जब आई करंट जाएगा तो आई स्क्वायर आर टी हीट डेवलप होगी, मेल्ट होना होगा, पहले वो वायर मेल्ट हो जाएगी। अगर मैं सीधा मीटर में एंटर करूँगा मीटर सड़ जाएगा, फिर उसके बाद पूरे घर के अप्लायंस भी सड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा वो वायर मेल्ट होकर ब्रेक हो जाए, घर की बिजली गुल हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, पहले पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंटर करवाने से पहले पतली वायर में एंटर करवाया जाता है, अगर हीटिंग इफेक्ट से मेल्ट होना होगा तो मेल्ट हो जाएगी, हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। अब मेल्टिंग होने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, यही तो हो रहा है। इसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, इसकी पावर ज्यादा होगी सीरीज में लगने के बाद, तो इसमें मेल्टिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, इसके फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा 10 वॉट 50 वॉट 100 वॉट के बल्ब सीरीज में है, कौन पहले फ्यूज होगा? 10 वॉट। ओके, क्वेश्चन आएगा 10 वॉट 50 वॉट 100 वॉट पैरेलल में है, कौन पहले उड़ेगा, फ्यूज होगा? 100 वॉट, क्योंकि पैरेलल के अंदर V की वैल्यू रिमेंस, तो पावर ज्यादा किसकी होगी, 100 वॉट की, तो उड़ेगा भी कौन? 100 वॉट। हीट भी किसमें? 100 वॉट में। तो तुम अगर अपने घर में एक 10 वॉट का बल्ब लगाओगे, एक 500 वॉट का लगाओगे, एक 2000 वॉट का लगाओगे, तो ध्यान से अगर पीछे से गड़बड़ हुई, सबसे महंगे जिस पे पैसे खर्चे हैं 2000 वॉट, सबसे पहले वही उड़ेगा, और छोटे छोटे बल्ब फिर भी ऑन रहेंगे। जितना छोटा बल्ब है घर में वो पैरेलल में है वो ठीक चलता रहेगा, बड़ा बल्ब नुकसान कर सकता है। तो बेटर है अपने घर में ना 10 वॉट की एलईडियां लगवा लो, 4-5, इनस्टेड कि 50 या 100 वॉट का बल्ब लगाओगे, वो ज़्यादा बेटर है, उड़ेगी तो एक ही उड़ेगी ना, सारी कैसे उड़ेंगी? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक,
नेक्स्ट है पावर कंज्यूम्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस.